नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे आने के बाद कहीं खुशी का माहौल है तो कहीं सन्नाटा पसरा है। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 2014 से भी शानदार प्रदर्शन कर सत्ता का सिंहासन हासिल कर लिया। बीजेपी की बेहतरीन जीत के बाद बीजेपी समर्थक कहीं मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं तो कहीं ढोल की थाप पर थिरकते नजर आ रहे हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो यहां पर भी बीजेपी ने ऐसी सियासी पारी खेली कि कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दल क्लीन बोल्ड हो गए। बीजेपी की बम्पर जीत पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हरियाणा राज्य हज कमेटी के मीडिया कोऑर्डिनेटर खुर्शीद आलम, जिनसे हम जानेंगे कि इस बम्पर जीत के बाद वो क्या महसूस करते हैं और क्या इस शानदार जीत के बाद बीजेपी की जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी और क्या इन परिणामों का असर आगामी विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। आलम जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में, और इस जीत के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं और बहुत बहुत बधाई आपको बीजेपी की इस शानदार जीत के लिए। बधाई आपको, आपके पूरे चैनल की टीम को, आपके डायरेक्टर साहब को। और रहा सवाल कि कैसा महसूस कर रहे हैं, ये तो एक ऐसा प्रश्न करा आपने कि किसी के घर स्वयं भगवान आए और वो उनसे पूछे कि कैसा महसूस कर रहे हो। देखिए, आज हमारे द्वार पर खुशी आई है और खुशी सबको पता था कि आ रही है, मगर आज उसका विधिवत रूप से प्रवेश हो गया है। आज हर भारतीय जनता पार्टी का नहीं बल्कि हर भारतीय नरेंद्र मोदी जी की जीत पर और हरियाणा में मनोहर लाल जी की मेहनत पर गर्व महसूस कर रहा है और जय हिंद का नारा दे रहा है, भारत माता का नारा लगा रहा है। आज हम अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि ये जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है, नरेंद्र मोदी जी की जीत है, हरियाणा में मनोहर लाल जी के प्रयासों की जीत है और हर भारतवासी, हर हिंदुस्तानी की जीत है। इस जीत को हम सबको सलाम करना चाहिए जी। बेहद ही शानदार जीत बीजेपी ने हासिल की है। आलम जी, राहुल और प्रियंका मोदी के सामने टिक नहीं पाए, गठबंधन भी फेल साबित हो गया, इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, राहुल जी और सोनिया जी, सोनिया जी का अपना एक जो पारिवारिक आरोपित इनके ऊपर लगा चला आ रहा है, आज अगर सोनिया जी ने भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेने की हिम्मत की थी तो उनको ये सोच लेना चाहिए थी कि मैं अपने आप अध्यक्ष पद से हटकर किसी अन्य पार्टी को, अगर अध्यक्ष अन्य नेता को अपने किसी अध्यक्ष बनाते राहुल जी की जगह, तो उसका ज़्यादा लाभ मिलता। रहा गठबंधन का सवाल, गठबंधन का मैंने आपको पहले भी बताया था कि गठबंधन कहीं नहीं है, गठबंधन मात्र मोदी जी को चोर जो कहना चाह रहे थे, खुद सारे चोर थे और अपने आप को चोर साबित कर कर चोर मचा मचा कर अपने आप बैठ गए हैं और अब 5 साल के बाद आप देख लेना, बरसात की मेंढक की तरह कहीं नज़र नहीं आएंगे जी। जहाँ गठबंधन पूरे कयास लगाए बैठे थे कि इस बार जीत उनकी होगी, बीजेपी को शायद हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उनकी उम्मीदों पर इस बार पानी फेर दिया है एक बार फिर से बीजेपी ने। हरियाणा में बीजेपी की बम्पर जीत से कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों को बड़ा झटका लगा है, इस बारे में क्या कहना है आपका? हरियाणा में 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय यशस्वी प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिन्होंने पूरे हरियाणा को एक नारा देकर ये साबित कर दिखाया कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और इसमें किसी बात की कोई शक और शंका नहीं रह जाती कि उन्होंने अपने प्रदेश के अंदर विरोधियों को भी विकास कार्य में अपने पास से धन देने में कमी नहीं की, क्योंकि पार्टी का विधायक चाहे वो कांग्रेस का जीत के गया था, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल का जीत कर गया था या अन्य किसी भी पार्टी का था, कारण कि क्षेत्र की जनता, उस विधायक के क्षेत्र की जनता प्रदेश की जनता थी। और जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया है कि हरियाणा एक तो हरियाणवी एक, तो उन्होंने अपने विकास कार्यों में पूरे प्रदेश में सबके साथ सद्भावना और बराबर का
सहयोग कर सबका विकास किया है और एक मिसाल काम की कायम की है कि 60,000 नौकरियां, वे नौकरियां उन बच्चों को मिली हैं जो शिक्षित थे, जो योग्य थे और काबिल थे। उनके परिवारों ने, उनकी दुआओं ने, उन सब के आशीर्वाद से आज प्रदेश के अंदर सभी पार्टियों को धराशायी कर दिया और मनोहर लाल जी के वर्चस्व को और मनोहर लाल जी के कद को और उनके विश्वास को बढ़ाया है, जिससे निश्चित रूप से आज हरियाणा का गौरव और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री का मान माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो 26 तारीख को शपथ लेंगे, एक मिसाल कायम कर दी उन्होंने कि हमने जो वादा किया था आपसे वो पूरा कर दिखाया। बेशक सबका साथ सबका विकास का नारा रहा बीजेपी का और आज जनता ने सिद्ध कर दिया कि वो बीजेपी पर अभी भी अपना विश्वास बनाए हुए हैं। हरियाणा में कई बड़े नेताओं की साख भी दांव पर थी, लेकिन वो बीजेपी उम्मीदवारों के आगे टिक नहीं पाए, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, विरोधी पार्टियों के नेताओं के पास ना तो कोई मुद्दा था, ना कोई उनके पास चर्चा थी समाज में जाकर वोटरों के पास कहने की, बताने की। और जनता ने कदवार नेता को नहीं देखा, पुराने नेता को नहीं देखा, उन्होंने देखा है कि देश का नेतृत्व किसके हाथों में जा रहा है और उनका नेतृत्व करने के लिए हम अपना प्रतिनिधित्व किसको चुन रहे हैं। जो हमारा प्रतिनिधित्व करने जा रहा है, क्या वो हमारे क्षेत्र के विकास कार्यों पर खरा उतरेगा? सबसे पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को देखा, फिर उसके बाद में उन्होंने मनोहर लाल जी को देखा और मनोहर लाल जी के बाद में उन्होंने अपने क्षेत्रीय सांसद को देखा कि वाकई काबिल है, अच्छा है, शिक्षित है और क्षेत्र के विकास कार्यों में, समाज सेवा में योगदान देते रहे हैं, क्षेत्र की समस्याओं से जूझते रहे हैं, समय समय पर हर कार्य को जो जनता हित के लिए थे उनको वो करते चले आए हैं। इसलिए मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि विरोधी पार्टियों के लिए, विरोधी नेताओं के लिए कोई ऐसा प्रोपगंडा ना उनके पास था, ना उनके पास कोई एजेंडा ऐसा था जिससे वो समाज में जाकर अपनी छवि को सुधार पाते। पहले ही उनकी पार्टियाँ और वे खुद दागदार थे, पहले ही वो अपनी छवि खराब कर चुके थे और इस बार उम्मीद नहीं जताई जा रही थी कि वो अपनी छवि के साथ जीत पाएंगे। आलम जी, कई सीटों पर बीजेपी की सीधे तौर पर कांटे की टक्कर थी, जहां कयास ये लगाए जा रहे थे कि यहां जीतना शेर के मुंह से निवाला निकालने जैसा है, फिर भी बीजेपी ने फतेह हासिल की। देखिए, अभी मैंने पहले आपके प्रश्न में उत्तर दिया है कि कांटे की टक्कर तो वहां माना जाएगा, कांटे की टक्कर वहां देखा जाएगा जहां पार्टी वजूद में हो, विरोधी वजूद में हो। हरियाणा में वर्तमान में कोई पार्टी वजूद में नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल पारिवारिक विवाद में आकर टूट चुकी है, कांग्रेस का जन आधार खत्म हो चुका है, कांग्रेस के नेताओं पर भ्रष्टाचारों के आरोप लग चुके हैं। तो ऐसे में जिन्होंने भी उम्मीदवारी कायम की या उम्मीदवार बनकर चुनाव के बीच में आए, तो उनका जन आधार ना था, ना उनको जनता ने स्वीकारा। भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन है, सहयोग है और सभी का समर्थन उनको मिला है। सभी के सहयोग से अब की बार भारतीय जनता पार्टी कहीं अधिक मतों से हर जगह रिकॉर्ड मतों से जीत कर आ रही है, ये एक अपने आप में मिसाल है। और उदाहरण के तौर पर जैसा हमारे सामने हम आंकड़े देख रहे हैं कि 1984 में 49% मतदान होने के बाद 404 सीटें कांग्रेस जीत पाई थी जी। आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 58% मतदान हुआ है, ये एक रिकॉर्ड है अपने आप में और एक मिसाल कायम कर दी है जो किसी अन्य पार्टियों के तोड़ने के बस की बात नहीं बनती है। ये सिर्फ तोड़ सकते हैं तो मोदी जी इस रिकॉर्ड को अगले चुनाव में तोड़ेंगे और निश्चित रूप से और अधिक मतों से ज़्यादा और अधिक सीटों से ज़्यादा फिर एक बार, तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। वाकई जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद मोदी जी ने सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की है, ये बिल्कुल सही कहना है आपका। आलम जी, आपको क्या लगता है इस जीत के बाद क्या बीजेपी की जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी? देखिए, जब देश का मुखिया देश की बागडोर संभालता है तो उसको पूरे देश के विकास के बारे में विकास करना सोचना पड़ता है। आज एक परिवार को अपने परिवार के विषय में सोचना पड़ता है तो वो तो देश की बात है। और देश का जिस तरीके से नाम विदेशों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने
रोशन किया है। हमारे देश का ताकत विदेशों के अंदर जो एक रुतबा बना है, आज विदेशों के अंदर नरेंद्र मोदी जी का एक नाम है, भारत का एक नाम है, हिंदुस्तान का एक नाम है। तो उस नाम को कायम करने के लिए निश्चित रूप से उन जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी उन विकास कार्यों को जो जिम्मेदारियों से पूरा किया जाता है उसको कर रहे हैं। और आने वाले जो 5 साल हैं नरेंद्र मोदी जी के लिए, आप ये देखना कि मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, मात्र हरियाणा हज कमेटी में एक छोटा सा मीडिया कोऑर्डिनेटर होने की हैसियत से इतना ज़रूर विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 5 सालों के बाद में देश के अंदर समस्या नहीं होगी, देश के अंदर विरोधियों का पता नहीं चलेगा विरोधी गए कहाँ। आलम जी, हरियाणा में बम्पर जीत के बाद बीजेपी हरियाणा में किस तरह से काम करेगी? जैसे हमारे मनोहर लाल जी का एक नारा है, सबको साथ लेकर चलने को, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ सबको साथ लेकर हरियाणा के अंदर सबका विकास किया जा रहा है, किसी के साथ कोई मतभेद नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, मुस्लिम धर्म के अनुसार मुस्लिमों के अंदर काफ़ी उत्साह अब की बार मतदान का भारतीय जनता पार्टी के प्रति था, और वह उत्साह मनोहर लाल जी के कारण था, और वह उत्साह नरेंद्र मोदी जी के कारण था। और आज यहाँ सबको साथ लेकर माननीय मनोहर लाल जी जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हरियाणा हैं, वो निश्चित रूप से आगे की ओर बढ़ेंगे और इसका लाभ आने वाले चुनाव पर भी मिलेगा। आलम जी, कहीं ना कहीं लोगों की ये सोच बनी हुई थी हरियाणा को लेकर कि मनोहर लाल खट्टर जी जो हैं वो पंजाबियों को ही ज़्यादा समर्थन दे रहे हैं, पंजाबियों को ही, जैसे संजय भाटिया जी पंजाबी कौम से थे तो उन्हें ही उतारा है। क्या आपको लगता है इसका विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब मिला है आज के रिजल्ट पे? देखिए, हमारा चुनाव किसी जाति को लेकर नहीं था, भारतीय जनता पार्टी किसी जाति विरोध की नहीं, भारतीय जनता पार्टी भारतीय हिंदुस्तान की पार्टी है, इसके अंदर सभी वर्गों का, सभी जातियों का, किसी वर्ण, किसी जाति, किसी उससे कोई लेना देना नहीं, सबका साथ, सबको साथ लेकर चलिए, सबके विकास के लिए चली है, किसी एक वर्ग से, किसी एक धर्म से कभी कोई पार्टी आगे नहीं चलती। और हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो सबका साथ सबका विकास सबको साथ लेकर चलने की है, वहीं हमारे मनोहर लाल जी का कि हम जो विकास कर रहे हैं, हमारा जो है प्रत्येक हरियाणावासी, प्रत्येक हरियाणवी, सब एक है, हम सब एक हैं, हमारी भाषा एक है, हमारी सब चीज़ अलग, हमारे त्यौहार अलग हो सकते हैं, हमारी परंपराएं अलग हो सकती है, मगर भारतीयता एक है, हिंदुस्तानी एक है, हम अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए एक हैं, उस सब को एक सूत्र में बांधकर सब साथ चले हैं, किसी एक वर्ग एक वर्ण को कहना गलत है। खुशी जी, हरियाणा में भाजपा की 10 सीटों पर बढ़त है, हुड्डा और दुष्यंत यहाँ पीछे रह चुके हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, दुष्यंत जी पीछे रहे या हुड्डा जी पीछे रहे जी, वो पीछे हैं, पीछे ही रहेंगे। हरियाणा की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की है, हरियाणा की सारी सीटें मनोहर लाल जी की, हरियाणा की 10 की 10 सीटें मोदी जी की हैं। हरियाणा में किसी अन्य नेता का कोई वजूद नहीं रहा है, या आप बार बार प्रश्न करके पूछ रहे हैं। वर्तमान में आज हमारा भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर वोट मिला है, जनता ने विश्वास के नाम पर वोट दिया है, जनता ने प्यार के नाम पर वोट दिया, और जनता ने माननीय मोदी जी को अपना आशीर्वाद और दुआओं से नवाजा है। आज उसी का असर है कि चाहे वो हुड्डा जी हों या दुष्यंत जी हों, वो पीछे ही हैं, पीछे ही रहेंगे। आलम जी, आपको क्या लगता है फाइनल रिजल्ट में भूपेंद्र सिंह हारते हैं तो क्या कांग्रेस खत्म हो जाएगी? देखिए, ये उनके अपने अंदरूनी राजनीतिक का वो है, किसी के दूसरे के परिवार के बारे में हम ये कहें कि वो ख़त्म हो जाएगा या जिंदा हो जाएगा, इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। हाँ, इतना ज़रूर है कि उनका वजूद ख़त्म हो गया, जनता ने उनके प्रति अपना विश्वास ख़त्म कर दिया है, और जिसका परिवार के प्रति, जिसका अपने समाज के प्रति विश्वास ख़त्म हो जाता है तो स्वाभाविक है वो टूट जाता है। और 5 साल के बाद जब आदमी चलने लायक नहीं रह जाता तो वो स्वाभाविक है ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए ये तो नहीं कहेंगे कि उनका क्या हाल होगा, मगर इतना ज़रूर है कि 5 साल के बाद में इनके नाम लेने वाले शायद ना रहें।
जी 60 साल से ज़्यादा राज किया कांग्रेस ने, उसके बावजूद भी जनता को उनसे उम्मीद नहीं जताई, जनता ने उनसे उम्मीद नहीं जताई कि वो विश्वास करें उन पर। कांग्रेस की ऐसी हालत का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? क्या आपसी मनमुटाव और गुटबाजी से आज कांग्रेस इस कगार पर आ गई है? देखिए, कांग्रेस की हालत क्या हो गई, कांग्रेस में क्या हो रहा है, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, ये कांग्रेस वाले जाने। हमें भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानना है, हमें समाज के बारे में जानना है, हमें विकास के बारे में जानना है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे नेता मनोहर लाल जी हैं, हमें उनके दिशा निर्देश में कार्य करना है। हमारे प्रदेश के अंदर हमारे हज कमेटी के चेयरमैन चौधरी औरंगजेब मेहर साहब, उनके दिशा निर्देश में हमें काम करना है। मैं ये जहाँ तक समझता हूँ, आज कांग्रेस का पतन उनकी नीतियों के कारण है, कांग्रेस का पतन पारिवारिक कारण है, कांग्रेस के अंदर बड़े छोटाई का मान सम्मान का कारण है। आज कांग्रेस का लीडर किसी भी छोटे वर्कर से बात करना उस हालत में कि जब उनको पता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, उस हालत में भी वो किसी से बात नहीं करते, तो जब वो उनसे बात नहीं करते, उन लोगों की बात नहीं सुन सकते, तो वे लोग ये भूल जाते हैं कि कल हमें उनको चुनाव में वोट लेने के लिए भी उनके पास जाना होता है। तो जनता समझ गई है, सोचने का कहीं विषय नहीं रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक वर्कर्स के पास भी अगर कोई साथी आकर कहता है कि मेरी यह समस्या है, तो उसकी समस्या को समाधान करने के लिए बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी वर्ण के, बिना किसी उसके, हर व्यक्ति उसकी सहायता करता है। ये हमारे राष्ट्रीय नेताओं का दिशा निर्देश है, उसी दिशा निर्देश के अनुसार कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आलम जी, पहले भी इस बारे में बातचीत हुई है कि जनता को बरगलाने की कोशिश की गई कांग्रेस की ओर से और गठबंधन की ओर से भी, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जनता ने परिकल्पना बना ली अपनी कि उनका बीजेपी के अलावा कोई संहार नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है ना इनको। देखो, लोग टिप्पणियाँ किस किस रूप में करते हैं, उनकी टिप्पणियों से भारतीय जनता पार्टी पर कहीं असर नहीं पड़ता। और वो कहावत है बड़ों की कि जब हाथी चलता है तो पीछे पता नहीं कौन कौन भौंकते हैं, तो उनके भौंकने से, उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम जहां हैं वहां उनको आने के लिए बहुत साल तक जन्म लेना पड़ेगा, जब जाकर वो इस लाइन में खड़े होंगे। अब तो एक ही सूत्र है, एक ही मांग है, एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी जी है, अमित शाह जी हैं, और प्रदेश में हमारे मनोहर लाल जी हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। आलम जी, इस चुनाव में हरियाणा के मुस्लिम समाज की बात करें तो खुलकर उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया, तो क्या आपकी सरकार मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से कुछ ऐसा काम करेगी जिससे उन्हें खुश कर सके और इस वोट बैंक को बरकरार रख विधानसभा चुनाव में जीता जाए? मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खुल के आ रहा है। पहले कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी, जो अन्य पार्टी रही हैं, उन्होंने मुस्लिम समाज को ये डरा दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो तुम्हारे साथ ये करेगी, तुम्हारे साथ जुल्म करेगी, तुम्हारे साथ जाति करेगी। मगर उन्होंने देख लिया कि पहले 15 साल तीन बार देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, 5 साल का कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का रहा, किसी मुसलमान के ऊपर कोई इतना बड़ा जुल्म, कोई अत्याचार नहीं हुआ। प्रदेश के अंदर 4.5 साल का कार्यकाल माननीय मनोहर लाल जी का है, मगर किसी भी मुस्लिम समाज के ऊपर कोई ऐसा दंगा नाम की कोई चीज़ नहीं आई जिससे मुसलमान को डराया जाता था। आज मुसलमान जब समझ गया, और मैं आज आपको ये बतलाने पे अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ मुसलमान भाइयों की तरफ से, कि रमज़ानुल मुबारक का पवित्र माह चल रहा है, मुसलमानों के लिए इससे बड़ा महीना कोई नहीं आता। मगर आज हरियाणा का नहीं, पूरे भारतवर्ष का मुसलमान ईद से पहले आज ईद मना रहा है। आज उनके घरों में, आज उनके परिवारों में, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, मुस्लिम समाज ने वोट दिया है,
वो अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि आज से 13 दिन बाद जो ईद आने वाली थी वो कल क्यों नहीं आ गई, आज क्यों नहीं आ गई, आज ही हम ईद मना लेते, आज ही हम अपनी वो खुशियाँ मना लेते। तो आज मुसलमान भाइयों को मैं अपनी तरफ से आपके चैनल के माध्यम से इस बात की मुबारकबाद दूंगा और उनका शुक्रिया अदा करूंगा, उनका धन्यवाद करूंगा, उनका आभार व्यक्त करूंगा कि आप लोगों ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व को हमारे राष्ट्रीय नेता नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, और प्रदेश के अंदर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के प्रति आस्था व्यक्त कर लोकसभा के चुनाव में मतदान किया है, विधानसभा के चुनाव में उससे अधिक जाकर मुस्लिम समाज मतदान करेगा, और निश्चित रूप से आप बात देखना कि दोबारा से फिर नरेंद्र मोदी जी की तरह हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल जी होंगे, जिससे कि इस प्रदेश का गौरव बनेगा। और रहा विकास का कार्य, मुस्लिमों के लिए कोई अलग से विकास करने की आवश्यकता नहीं है। मुस्लिमों को क्या चाहिए? भाईचारा। मुस्लिमों को क्या चाहिए? प्यार। मुस्लिमों को क्या चाहिए? सम्मान। और वो सब चीज़ भारतीय जनता पार्टी दे रही है, वो सब सम्मान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने पूरे प्रदेश की जनता के साथ साथ में मुस्लिम समाज को अपने साथ जोड़ के रखा है, उनके मान सम्मान को जो प्यार और सम्मान दिया है, तो उनके मान और सम्मान जो मुसलमानों को मिला है, मुस्लिम भाइयों को मिला है, उसके लिए मुस्लिमों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर, उनके उम्मीदवारों को वोट देकर जो संसद बनाया है, निश्चित रूप से विधानसभा में उससे कहीं अधिक मतदान कर फिर एक बार अपने देश के प्रति, हिंदुस्तान के प्रति, भारत के प्रति, भारतीयता का, भारतीय संस्कृति का, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा मुसलमान। बेशक जो लोग ये विरोधी ये राजनीति करते आ रहे थे हिंदू मुस्लिम की, आज मुस्लिम समाज के वोट बैंक ने ये साबित कर दिया कि वो सब भारतीय हैं। आज रिजल्ट जीत के बाद ये साबित हो गया कि वाकई हम सब भारतीय हैं और एक हैं। आनंद जी, एक आखिरी सवाल आपसे, आपके अनुसार हरियाणा विधानसभा चुनाव में इन परिणामों का क्या असर होगा? हरियाणा के चुनावों पे किसी किस्म की कोई टिप्पणी करने का मैं समझता हूँ, आज सबके सामने परिणाम है, पूरे देश के सामने, पूरे देश का परिणाम है। और आज हम गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी का जो एक नारा है घर घर मोदी, आज घर घर में नहीं बल्कि छोटे से लेके छोटे बच्चे को भी अगर आप पूछेंगे वो भी मोदी जी का नाम लेगा। तो आज मोदी जी की जो छवि है, मोदी जी का जो स्वरूप है, वो प्रत्येक परिवार के घर घर में मौजूद है। उस छवि और उस का जो चेहरा है मोदी जी का, वो एक बच्चे के दिल में, आज एक छोटे से बच्चे को फोटो दिखाओ तो वो कहेगा मोदी जी। आप किसी और अन्य पार्टी के नेता का फोटो दिखाओ तो ये कहेगा कौन। तो आप इसी से अंदाज लगा लीजिए, इसमें किसी किस्म की कोई संकेत और किसी किस्म का किसी भी भेद का भेदभाव नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारी इस वार्ता को सुन रहे हैं उनसे मैं पुनः उन सबका आभार, उन सबका धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा हज कमेटी की ओर से व्यक्त करना चाहता हूँ, ख़ासतौर से मुस्लिम समाज का, कि उन्होंने हमारे हज कमेटी के चेयरमैन चौधरी औरंगजेब साहब की बात को स्वीकार करते हुए, उनकी अपील को मानते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो मतदान किया है, भारतीय जनता पार्टी को जो उन्होंने ताकत दी है, और भारतीय जनता पार्टी जो मान सम्मान मुसलमानों को और मुस्लिम भाइयों को दे रही है, उसके लिए मैं उन सबके साथ साथ पूरे भारतवासियों का और ख़ास तौर से हरियाणा वासियों का, हरियाणा की जनता का, हरियाणा के सभी धर्मों का, सभी जातियों का आभार व्यक्त करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।